फीमेल बाउंसर का काम ये होता है कि कोई लेडीज अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है पीने के बाद में, कोई प्रॉब्लम करती है या फिर कहीं पे भी, अगर हम जैसे मैं क्लब में, अब सोशल में लगी हूँ क्लब में, तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है अगर गेस्ट बदतमीजी करता है तो हमें उससे पहले समझाना होता है, अदरवाइज नहीं समझता तो सीनियर पर्सन को बुलाना होता है और उनके भी काबू में नहीं होता तो हमें अपने ही हैंडल करना होगा कि हमें उन्हें उठा के बाहर पटक देना होता है। ये नहीं होता कि हम अपनी इस ड्यूटी का, अपनी इस पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाएं कि उन पर हाथ उठाएं। बाउंसर लाइन में मुझे नहीं पता था कि मैं बाउंसर लाइन में आऊँगी। पहले मैं सेल्स का काम करती थी, जॉब करती थी, उसके बाद काफ़ी मंथ तक मैंने ऐसे फ्री रही, सब जगह मैंने जॉब ढूंढी, कहीं नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। एकदम एक लक्ष्मी की कॉल आई कि आप ऐसे ही मतलब टेम्परेरी थोड़ी बहुत जॉब करेंगे, पार्ट टाइम जॉब। मैंने बोला क्या काम है, तो उन्होंने बोला कुछ काम है, सेलिब्रिटी आते हैं उनको लेके आना होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये काम बहुत अच्छा है। जब मैं पहले पहले गई तो मुझे लगा ये तो सिक्योरिटी का काम है, नहीं मुझे नहीं करना। उसके बाद सेलिब्रिटी के साथ में जाने लगी, जाते जाते सब मेरी मजाक बनाते थे, मैं बहुत ज़्यादा पतली थी ना, तो सब बोलते बाउंसर है, हंसी बनाते थे। तो वहाँ पे एक हॉल है, वहाँ पे शाहरुख खान आया था, तो मेरा बहुत मन था कि मैं शाहरुख खान से मिलूँ, लेकिन बाउंसरों ने मुझे बिल्कुल नहीं जाने दिया, बोला मेरी मजाक बनाई। मैंने यही बोला कि बेटा अगले साल देखियो इस प्रगति मैदान में ना, मैं आके दिखाऊंगी बाउंसर बनके। नेक्स्ट ईयर मैं इतनी हेल्थी हो गई थी क्योंकि मैंने अपने खान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और मैं जब गई ना तो सब बाउंसर देख के दंग रह गए थे कि मैं वही हूँ निशा। वहाँ मुझे अरुण सर मिले, उन्होंने बताया कि हमारा सोशल खुल चुका है, आप वहाँ पर जॉब करेंगी। मैंने उसे सीरियस नहीं लिया, मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं वो। उसके एक महीने के बाद उनकी कॉल आनी शुरू हो गई, मैम आओगे, क्योंकि ओपनिंग शुरू हो गई थी ना अगस्त में, जुलाई में हुई थी, तो अगस्त में मैं गई, 7 अगस्त को मैंने सीरियस ले लिया कि मुझे जाना है और मैंने बाउंसर लाइन ज्वाइन कर ली। स्टार्टिंग में मम्मी पापा को डर लगा कि ये ऐसी जॉब है, इसमें मारना पीटना भी हो सकता है और इसमें जान का भी खतरा हो सकता है। काफ़ी ने बताया कि काफ़ी चाकू वगैरह या फिर पिस्टल वगैरह से भी हमला कर सकते हैं, लेकिन फिर मैंने समझाया नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे प्राउड है कि मैं बाउंसर हूँ और बाउंसर कभी किसी से डरते नहीं हैं।